प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जी हाँ, इस खूबसूरत नगमे के साथ ही आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे या फिर आपको याद आ गए होंगे करण अर्जुन, बॉलीवुड के करण अर्जुन, जहाँ आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। इन दोनों की ये जोड़ी आज भी लोग अक्सर ही मिस किया करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी सेठी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज बॉलीवुड बस में। ऐसा ही एक बस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ पर हम बॉलीवुड के करण अर्जुन को लेकर बात करने वाले हैं, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। ये हर कोई जानता है कि शाहरुख खान और सलमान खान शुरू से ही काफी अच्छे दोस्त कहलाए जाते थे, यानी कि करण अर्जुन की जो जोड़ी थी वो बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस भी रही है। ऐसे में बीच में कुछ ऐसा हो गया जहां पर करण अर्जुन के बीच दरार आ गई और इनकी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। उसके बाद से तमाम खबरें आने लगी, तमाम बातों का जिक्र भी हुआ कि आखिरकार बॉलीवुड के ये दो बादशाह कैसे आपस में लड़ सकते हैं। एक बॉलीवुड का बादशाह है तो दूसरा दबंग खान है और इनकी जोड़ी की मिसाल आज तक लोग दिया भी करते हैं। उसके बाद अपने आप ही इनके इश्यूज को सॉर्ट आउट होता हुआ भी देखा गया। अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि बॉलीवुड के ये जो करण अर्जुन है, जब लड़ाई के बाद इन दोनों ने दोस्ती की थी तो वो दोस्ती आखिरकार किस मकसद के लिए की गई थी। जी हाँ, दरअसल सलमान खान का शो 10 का दम जो बेहद ही जल्द ऑफ एयर होने वाला है और उसका लास्ट एपिसोड आप सभी को दिखने भी वाला है। दरअसल इस लास्ट एपिसोड में आप सभी को यहां पर दिखाई देंगे बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान और उनके साथ खूबसूरती में और अपनी बेहतर अदाकारी से हर किसी का दिल जीतने वाली रानी मुखर्जी। दरअसल यहाँ पर शाहरुख खान ने इस बात का खुलासा किया है कि क्यों उन्होंने दोबारा से सलमान से दोस्ती की है। अब लाजमी है कि फैंस ये जानना चाहते होंगे कि आखिरकार क्यों शाहरुख और सलमान की दोस्ती वापस से हुई। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए कि आखिर क्या क्यों इन दोनों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। आप सभी को बॉलीवुड के करण अर्जुन तो याद ही होंगे, यानी कि शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती से हर कोई वाकिफ है। बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फेमस जोड़ी करण अर्जुन की थी और इनकी फिल्म का वो गाना ये बंधन तो वो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जी हाँ, ये खूबसूरत नगमा बेहद ही ज्यादा खूबसूरत था और इनकी दोस्ती की तरह ही ये नगमा आज भी लोगों के दिलों में एक जगह को बनाए बैठा है, जहां पर पहले दोस्ती काफी गहरी थी और उसके बाद इस दोस्ती में कहीं ना कहीं जब दरार आई तो फिर हर कोई फैंस के चेहरों पर निराशा दिखी। हर कोई ये कहता दिखाई दिया कि आखिरकार करण अर्जुन कैसे जुदा हो सकते हैं। उसके बाद करण अर्जुन ने एक नई पहचान को साबित किया, साथ ही साथ एक नई दोस्ती की मिसाल भी बनाई, जहां पे इन दोनों की लड़ाई हुई और उसके बाद एक ऐसा मूवमेंट और एक ऐसा इवेंट कह सकते हैं जहां पे करण अर्जुन यानी कि शाहरुख और सलमान की दोस्ती का मंजर दोबारा से देखा गया। बिग बॉस, अगर बिग बॉस 10 की बात की जाए तो बिग बॉस 10 में भी सलमान के साथ शाहरुख को देखा गया था, जो यकीनन ही बिग बॉस की शोभा को और बढ़ाते हुए भी दिखाई दिया। वहीं एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी टीवी टावर में आपको दिखाई देगी। दरअसल शो 10 का दम जो सलमान खान लेकर आते हैं और अपने फैंस के बीच वो लेकर आए हुए हैं, काफी दिनों से ये शो चल भी रहा है तो अब खबरें हैं कि ये शो बेहद ही जल्द ऑफ एयर होने वाला है। जी हाँ, और ऑफ एयर के लास्ट एपिसोड पर यहाँ पर जोड़ी दिखाई दी जाएगी करण अर्जुन की, यानी कि सलमान के शो में यहाँ पर एंट्री लेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनके साथ होगी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी और सलमान की दोस्ती से भी हर कोई वाकिफ है, हर कोई जानता है कि रानी और सलमान काफी अच्छे दोस्त भी कहलाए जाते हैं। ऐसे में जहां पे शो का एपिसोड अभी ऑन एयर नहीं हुआ है तो इससे पहले तमाम चीजें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर सलमान खान के फैंस
अश्मोदगज में पड़ गए। दरअसल हाल ही में शाहरुख खान ने 10 कदम के फिनाले की शूटिंग की और सामने आया प्रोमो जहां पर शाहरुख ने इस बात का जिक्र किया कि आखिर उन्होंने सलमान खान से दोस्ती क्यों की थी। दरअसल इस शो के फिनाले पर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर अमिताभ बच्चन के गेटअप लेकर आप सभी को दिखने वाले हैं, जिसमें वो कौन बनेगा करोड़पति शाहरुख और सलमान के साथ खेलेंगे। इस दौरान सुनील सेट पर दोनों के साथ खूब मस्ती करते भी दिखाई दिए। एक ऐसा सवाल वो पूछ लेते हैं जो खुद सलमान भी हंसे बिना नहीं रह पाते। सुनील बिल्कुल अमिताभ बच्चन के अंदाज में ही सवाल पूछते हैं और मान लीजिए सलमान खान की शादी है तो शाहरुख खान वहां पर क्या करेंगे। ये एक ऐसा सवाल था जहां पर सलमान खान खुद काफी तेजी से हंसने लगते हैं। तो सुनील एक के बाद एक ऑप्शन देते हैं। तभी शाहरुख कहते हैं कि सलमान से दोस्ती इसलिए की है कि सलमान खान की शादी के बाद वो उनकी बाकी गर्लफ्रेंड्स का ख्याल रख सके। जी हाँ, शाहरुख के इस मजाकिया अंदाज पर सलमान हंसे बिना नहीं रह पाए। तो वहीं सलमान की भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वैसे आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ साथ 10 के दम में जहाँ पर आपको रानी भी दिखाई देगी, तो रानी भी सलमान खान से अब उनकी फैमिली प्लानिंग को लेकर तमाम बातें करेंगी। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म जल्द जीरो भी रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में शाहरुख के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को देखा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये फिल्म काफी ज्यादा ही अलग कॉन्सेप्ट की होगी। वहीं ऐसे में जहां पर शाहरुख खान ने इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार उन्होंने सलमान से दोबारा दोस्ती क्यों की, उसे जान के उसे सुन के फैंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और खुशी से हर कोई यहां पर काफी ज्यादा हंसता और खिलखिलाता भी दिखाई दिया। अब आपको इंतजार होगा कि आखिरकार कब ये शो ऑन एयर होगा, तो आप सब्र कीजिए, बेहद ही जल्द 10 कदम का लास्ट एपिसोड बेहद ही जल्द ऑन एयर होने वाला है। तो वेल फ्रेंड्स, आपने देखा करण अर्जुन की जहां हम बात कर रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड बज में जहां हमने शुरुआत की शाहरुख और सलमान की जोड़ी से, वहीं आपने जाना कि आखिरकार इन दोनों ने क्यों दोस्ती की थी। दरअसल इस बात का खुलासा खुले मंच पे शाहरुख खान ने खुद बताया है। उनका कहना है कि सलमान से दोबारा दोस्ती करने का उनका एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि जब सलमान खान शादी कर लेंगे तो उनकी बाकी गर्लफ्रेंड्स का ख्याल शाहरुख खान रखेंगे। जी हाँ, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जब सलमान खान की शादी हो जाएगी तब वो क्या करेंगे, तो बेहद ही फनी अंदाज में शाहरुख ने इस बात का जवाब भी दिया, जहां पे वो ये कहते दिखे, आपने सुना ही कि बाकी जब उनकी शादी हो जाएगी तो यानी कि जो जितनी भी उनकी रूमर गर्लफ्रेंड्स हैं उन सबका ख्याल किंग खान रखेंगे। और ये सुनते ही सलमान खान भी काफी ज्यादा हंसने लगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि इन दिनों सलमान की शादी को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं और हर कोई बॉलीवुड में भी चाहता है, उनके चाहने वाले भी चाहते हैं। यूं तो सलमान खान का परिवार यानी कि खान परिवार भी सलमान की शादी का इंतजार कर रहा है। अब ऐसे में इंतजार है कि आखिरकार बॉलीवुड के दबंग खान कब दूल्हा मियां बनेंगे और उसके साथ ही साथ क्या कुछ इनकी दोस्ती करने के पीछे का मकसद था। जब दुश्मनी थी तब ये कट्टर दुश्मन थे और जब इनकी दोस्ती हुई तो इनका याराना दोबारा से शुरू हो गया और ये खूबसूरत नगमा भी एक बार फिर से दोहराया जाने लगा कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि आखिरकार जब ये टेलीकास्ट ऑन एयर होगा तब यकीनन फैंस जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि शाहरुख और सलमान की जोड़ी जब भी आती है तब वो बड़ा धमाका करती है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, क्योंकि ये शो बेहद ही जल्द आपको ऑन एयर होता हुआ भी दिखाई देगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।